अगर आपके पास ट्रैक्टर ट्राली है और आप उसे किराए पर किसी ठेकेदार या अन्य जगह दे रहे हो तो सतर्क और सावधान हो जाएं, नहीं तो आपके साथ धोखा धड़ी हो सकती है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में तो किराए पर ट्रैक्टर ट्राली लगाना जोखिम भरा हो सकता है। यह हम नहीं बल्कि एक बड़ा फर्जीवाड़ा यहाँ हुआ है जिसमें कई गरीब किसानों के ट्रैक्टर ट्राली किराए पर लगाए गए, ना ही उन्हें किराया मिला ना ही ट्रैक्टर मिली, वो ट्रैक्टर आरोपियों ने बेच दिए। मामला सागर के सानोरा थाना क्षेत्र के उस फर्जीवाड़ा से जुड़ा है जहां पुलिस ने मामले की गंभीरता दिखाते हुए आरोपियों सहित 17 ट्रैक्टर जब्त कर लिए हैं। किस लिए यहां आए थे? घनश्याम अहरवा रामचंद्र। किस लिए आए थे यहां? नीरज साहब के 18,000 में हमने पिकअप लगाई थी, पैसा नहीं दे रहा, न गाड़ी बता रहा है कहाँ है हमारी गाड़ी। कितने लोग हैं ऐसे जिनकी गाड़ियाँ लगी हैं? ये हैं 28। पैसे किसी के भी नहीं मिले? आधे आधे दिए थे, दो दो चार 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 महीना की चढ़ी है। गाड़ी कहाँ है आपकी अभी? गाड़ी देख भी नहीं मिला। तो आपने यहाँ SP को आवेदन दिया, क्या बोला उनने? उन्हें बोला कि मिल जाएंगी। क्या है पूरी ठगी और आरोपी इसे कैसे अंजाम देते थे, हम परत दर परत इसकी कहानी आपको सुनाएंगे। इस घटना का मास्टरमाइंड नीरज साहू जो सागर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र का रहने वाला है, इसके साथ महेंद्र गौर जो साहेपुर का रहने वाला है, इसके अलावा सौरभ सोनी ने साहेपुर इलाके के किसानों के ठेकेदारी के काम में ट्रैक्टर लगवाने की बात कही। इन्होंने 2 दर्जन किसानों के ट्रैक्टर भी लगवा दिए, साथ ही भारी भरकम किराए देने की बात की। इनके जाल में नया खेड़ा निवासी रणवीर लोधी, रमाकांत तिवारी, दिनेश यादव, नंदराम यादव, राजेंद्र सिंह, मदन सेन, चंदू यादव, डोमन प्रजापति, पुष्पेंद्र सिंह ठाकुर, पुष्पेंद्र लोधी, जसपाल लोधी जो साहेपुर सानोदा क्षेत्र के रहने वाले थे, यह सभी आरोपी नीरज साहू के झांसे में आ गए। इनके 17 ट्रैक्टर नीरज साहू ने किराए पर लगाए और फिर ना ही किराया दिया बल्कि गालियां दी और ट्रैक्टर अलग बेच दिए। इनके द्वारा मिलके ये पीड़ित लोगों के, जो कि कई इनमें से किसान भी हैं और पीड़ित हैं, तो इनके द्वारा इसे ट्रैक्टर किराए पर लिया गया और धोखाधड़ी से कूट रचना करके दस्तावेजों की इनको अन्य जगहों पर बेचा गया है, बेचने की तैयारी थी। तो पुलिस ने इसमें तत्परता से अलग अलग जगहों पर टीम बना के इसमें दबिश दी गई और अभी तक आरोपियों से टोटल 17 ट्रैक्टर और 1 पिकअप वाहन पुलिस ने जब्त कर लिया है। अभी कार्रवाई और जारी है और इनसे और भी जो वाहन है जो अन्य फरियादियों के अन्य पीड़ितों के हैं वो ट्रैक्टर से जब्त किया जाएगा और इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कितने आरोपी गिरफ्तार हुए? अभी 2 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं, 1 आरोपी की गिरफ्तारी शेष है, वो इसी की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा। सर कितनी कमाल बरामद हुआ है इसमें? टोटल जो अभी जो वाहन जब्त हुए हैं उनकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए के आसपास। शिकायत आने के बाद SP तरुण नायक का दिमाग ठनका, उन्होंने एक पुलिस अधिकारियों की टीम बनाई जिन्होंने न सिर्फ आरोपियों को दबोच लिया बल्कि जहां इन ठगों ने ट्रैक्टर बेचे थे वो ट्रैक्टर भी जब्त कर लिए। अब यह सातिराना गिरोह सलाखों के पीछे है, तो समझ जाओ प्यारे से सीधे से बुंदेलखंड के किसानों, जब भी ट्रैक्टर किराए पर दो पूरी पड़ताल कर लो, नहीं तो आप भी ठगी का शिकार हो सकते हैं। आदर्श दुबे के साथ हरगोविंद प्रजापति, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सानोधा। हर किसान का सच्चा साथी सोनालिका ट्रैक्टर, अधिकृत विक्रेता साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, प्रोप्राइटर वीरेंद्र पूनम पटेल। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के आगे खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। We'll be right back.